नांदेड के डिप्टी मेयर अहदे के लिए नौजवान कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार, जबकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अहदे के लिए किशोर स्वामी का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। इन दोनों अहदों के लिए इन दोनों के वाहिद कागजात नामजदगी दाखिल किए जाने के बाद अब सिर्फ कल रस्मी ऐलान होना बाकी है। नांदेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर जनाब मसूद अहमद ख़ान ने गुज़िश्ता दिनों अपने अहदे से इस्तीफ़ा दिया था। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अहदे से भी गाड़ी वाले ने इस्तीफ़ा दिया। इन दोनों अहदों के लिए गुज़िश्ता रोज़ इन अहदों के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिप्टी मेयर के लिए अब्दुल गफ्फार, शोएब हुसैन, उमेश चौहान और प्रशांत तिड़के ने, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के लिए मौजूदा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गाड़ी वाले और किशोर स्वामी, राजू काड़े और अब्दुल हफीज़ ने फार्म हासिल किए थे। आज फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आज डिप्टी मेयर अहदे के लिए अब्दुल गफ्फार का वाहिद फार्म दाखिल किया गया। इसी तरह चेयरमैन अहदे के लिए किशोर स्वामी की जानिब से वाहिद फार्म दाखिल किया गया। इसी तरह इन दोनों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। कल यानी 2 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर इन दोनों के इंतखाब का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आया रहे कि नौजवान कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार अवामी मसाइल की यकसुई के लिए काफ़ी सरगर्म है। अपने वार्ड के मसाइल के हल के लिए वो हमेशा कोशा रहते हैं। इसी तरह वार्ड में बुनियादी सहूलियात व तरक्याती कामों के लिए भी वो कोशा है। इनके इसी जज्बे को देखते हुए अशोक राव चौहान ने इन पर एतमाद जाहिर करते हुए इन्हें डिप्टी मेयर अहदे पर मुंतखब किया है। नांदेड वागड़ा महानगरपालिकेचे आज उपमहापौर आणि स्थायी समिति सभापति या दोन पदाचे आज फॉर्म कांग्रेस पक्षातर्फे भरण्यात आले। उपमहापौर म्हणून युवक काँग्रेसचे आमचे धडाडीचे कार्यकर्ते अब्दुल गफ्फार यांना संधी यावेळेला अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी दिली आणि स्थायी समिति सभापति म्हणून किशोर स्वामी ते सुद्धा अनुभवी आहेत, त्यांची वर्णी या पदावर लागलेली आहे। मी दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा देतो। येणारे 8-10 महिने 2020 क्रिकेटसारखं त्यांना विकास करावा लागणार आहे, कारण 10 महिने शिल्लक आहे, 11 महिन्यात आचारसंहिता लागते। त्यामुळे अशोकरावांच्या नेतृत्वाखाली हे दोघे चांगले काम करतील अशी नक्कीच आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे। त्या दोघांना शुभेच्छा।